छाता तहसील के लेखपाल का रिश्वत के रुपए लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल रिश्वत के रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा है। गांव अकबरपुर के एक किसान ने डीएम एसडीएम व एंटी करप्शन टीम को भेजी शिकायत में गांव के निवर्तमान लेखपाल देवेंद्र गर्ग पर 4 बैनामा के दाखिल खारिज कराने के बदले 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। लेखपाल द्वारा लिए गए रुपयों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छाता तहसील के गाँव अकबरपुर निवासी कौशलेंद्र पुत्र अशोक ने डीएम को लिखे पत्र में शिकायत की है कि गांव के निवर्तमान लेखपाल देवेंद्र गर्ग से उन्होंने खेत का दाखिल खारिज कराने की बात की थी और लेखपाल ने उनसे 4 बैनामा के दाखिल खारिज करने के बदले 3,00,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बदले उन्होंने 2,20,000 रुपए लेखपाल को समय समय पर कई किस्तों में दिए। इसमें 70,000 रुपए लेते हुए लेखपाल का वीडियो उनके पास है। इसमें लेखपाल रुपए लेकर पैंट की जेब में रख रहा है और पूछ रहा है कि कितने रुपए हैं, जिसमें किसान कह रहा है कि 70,000 हैं। इसके अलावा किसान के पास बातचीत के कई ऑडियो भी मौजूद हैं। पीड़ित किसान ने डीएम से जांच कराकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने और रुपये वापस दिलाने की मांग की है। पूर्व में भी लेखपाल पर रिश्वत लेने के कई बार आरोप लग चुके हैं। इससे पहले गांव अकबरपुर निवासी काव्या उर्फ कमलेश पत्नी सुरेश ने लेखपाल पर 48,000 रुपए लेने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से लेखपाल की शिकायत की थी, जिसमें कि ग्राम पंचायत की जमीन को कॉलोनाइजर को बेचने और दाखिल खारिज कराने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इससे पूर्व चकमार के चौड़ीकरण के रुपयों की मांग को लेकर भी लेखपाल का ऑडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में छाता एसडीएम श्वेता सिंह का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कौशलेंद्र सिंह, जी, मामला यह कि अकबरपुर के पूर्व लेखपाल श्री देवेंद्र गर्ग जी ने हमसे दाखिला खारिज कराने के लिए 3,00,000 रुपए की मांग की थी, जो समय समय पर हमने उनको आज तक 2,20,000 रुपए दे दिए। आज तक ना तो उन्होंने हमारे दाखिला खारिज कराए और हमारे मूल बैनामा भी ले गए हैं। मूल बैनामा वापस करने की कह रहे हैं, वो एक जो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में मूल बैनामा वापस कर देंगे, लेकिन अभी तक मूल बैनामा उन्होंने वापस भी नहीं किए। इसका हमने वीडियो बना लिया और जो कुछ पैसों का तो वीडियो और कुछ की पैसों की रिकॉर्डिंग है हमारे पास उपलब्ध है, सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है उनकी। तो वो आपने सोशल मीडिया वायरल, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है वीडियो हमने। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ FIR लिख करके वो जेल जाएं। आपने शिकायत की है संबंध में? शिकायत की हमने संबंध में, हमने DM साहब को भी रजिस्ट्री की है, प्रमुख सचिव साहब को भी रजिस्ट्री की है, मंडलायुक्त साहब को बाई एंड रिसीविंग कराई है, SDM साहब को भी दी गई है और यूपी कॉप पर ऑनलाइन FIR होती है, हमने यूपी कॉप पर ऑनलाइन FIR की थी जो थाना छाता ने रिजेक्टेड कर दी है। ये ऐसे मामले इनके खिलाफ पहले भी आ चुके हैं? जी, ये भी सुनने में आया है कि इनके खिलाफ 4-5 मामले पहले भी आए गए हैं। अकबरपुर के एक कोई औरत थी लेडीज, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे भी इन्होंने 50,000 रुपये की 50,000 रुपये लिखे थे दाखिला खारिज कराने के बहाने से ही, उसमें भी इन्होंने उनका कुछ नहीं किया, दाखिला खारिज नहीं कराया। बाद में वो शिकायत कंप्लेंट होने के बाद में क्या समझौता हुआ ये जानकारी नहीं है। तो मिठाई का फवारे काम को चालू कर रहे हो? ठीक है। तो होगा